हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे ब्लॉगर पर पेज कैसे बनाएं। तो आपको एडेंस अप्रूवल चाहिए तो ब्लॉगर पर आपको पेज बनाना होगा। पेज में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और साइट मैप आप बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लॉगर पर पेज कैसे बनाएं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ब्लॉगर पर पोस्ट का एक ऑप्शन होता है। अगर आपको न्यू पोस्ट लिखनी होती तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और न्यू पोस्ट लिखते हैं, और जो भी पोस्ट आप लिखते हैं यहाँ पर शो होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, सारी पोस्ट मैंने लिखी हुई है। लेकिन अगर ब्लॉगर पर आपको पेज बनाना होता तो आप यहाँ पर पेज का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक हो करना होता है, उसके बाद आप पेज बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन पेज बना रखा हुआ है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पर न्यूज इन हिंदी लाइफ, मेरी वेबसाइट का नाम है, उसके नाम से मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया हुआ। तो जैसे ही आप पेज पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे न्यू पोस्ट की जगह न्यू पेज का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगा। तो अब आपको न्यू पेज बनाना है तो आप न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने अबाउट अस पेज बनाया हुआ है और यहाँ पर आई का आइकॉन जो बना हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह का अबाउट अस पेज बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कुछ वर्ड है, स्क्रॉल हो रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपका स्वागत है, आप हमारे और हमारी वेबसाइट www.hindilive.com के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आप पेज बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के बारे में, उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग लगा रखी हुई है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी शेयर करता हूँ उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बुलेट मैंने लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा अबाउट अस पेज। अब चलिए आपको यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट अस पेज शो कर देता हूँ। यहाँ पर एक मेरा पेज है कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी सिंपल सा कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया। आप कॉन्टेक्ट अस पेज बना सकते हैं। तो चलिए मैं, अगर अगर आपको फॉर्म वाला कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपको हम बता देंगे कैसे आप फॉर्म वाला कॉन्टेक्ट अस पेज बनाएंगे, वरना आप सिंपल सा ये वाला पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेज बनाया हुआ है, न्यूज इन हिंदी लाइफ, ये मेरे वेबसाइट का साइट मैप है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का साइट मैप मेरी वेबसाइट का शो होता है, इमेज के साथ, टाइटल के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ। यहाँ पर सर्च आइकॉन भी दिया हुआ है। तो इस तरह की साइट मैप बनानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस तरह की साइट मैप को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट भी शो कर रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट पे टोटल लगभग 564 आर्टिकल लिखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं न्यू पेज कैसे बनाएं। तो दोस्तों ये तीन पेज आपने देखा, मैंने तीन पेज बनाया है, तो आप भी बहुत ज़्यादा पेज नहीं बनाएंगे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और एक HTML साइट मैप आप बना लें, इतना पेज बहुत होता है एडेंस अप्रूवल के लिए। तो चलिए दोस्तों पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर न्यू पेज ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो न्यू पेज पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने इंटरफेस शो होता है। अब यहाँ पर आप जो पेज बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप लिख देंगे अबाउट अस, अबाउट ABOUT, अबाउट अस, यहाँ पर आपने अपने पेज का हेडिंग दे दिया। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो आप अपने वेबसाइट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ जो भी आपको लिखना है इस तरह आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको हेडिंग देना है बीच में, तो आप यहाँ पर एक इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर फिर आपको हेडिंग लगाना, तो आप इस तरह कुछ लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको हेडिंग लगाना है, तो बीच में आप इस तरह हेडिंग पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे। अगर आपको बुलेट लगाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक बुलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बुलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं बुलेट का ऑप्शन बन चुका है, उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बुलेट बन जाएगा। फिर आप लिखेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, जितनी बार आप इंटर प्रेस करेंगे उतनी बार बुलेट बनता जाएगा। अगर दो बार इंटर प्रेस करेंगे तो एक बार बुलेट बनेगा, दूसरी बार पे बुलेट हट जाएगा, तो आप दो बार इंटर प्रेस करके बुलेट को हटा सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको यहाँ पर हेडिंग बनाना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल वाले ऑप्शन पर आ जाना है, उसके बाद हीडिंग आपको सिलेक्ट करना है, तो आप हीडिंग पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस तरह से आप कुछ पेज को बना सकते हैं। तो
तो दोस्तों पेज में आपको क्या लिखना था आप यहाँ पर लिख चुके हैं। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर अबाउट अस आपने टाइटल बना दिया, अब यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अबाउट अस के बारे में, आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों लिखने के बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे आपका पेज जो है पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद आप अपने पेज को ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरा पेज जो है ओपन हो रहा है, तो इस तरह से आपका भी पेज ओपन होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्लॉगर पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और एचटीएमएल साइट मैप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानना है ब्लॉगर पर एचटीएमएल साइट मैप कैसे बनाए, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।